हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल में सर ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों, आज का अपना क्वेश्चन है कि 200 से 600 बीच कितनी संख्या है जो 5 और 7 से पूर्ण विभाजित है, कितनी संख्या है? अब दोस्तों, यहाँ दो चीज़ समझना है कि यहाँ के बीच 200 से 600 के बीच की बात हो रही है। यहाँ एक ऑप्शन वो आता है तक, तो यहाँ पर तक नहीं हुआ। तक अगर होता तो 200-600 तक हो जाता, 600 तक पूरी संख्या लेते, लेकिन यह 600 नहीं, तक नहीं कहा इसने, के बीच कहा। बस ये ध्यान रखना, के बीच, के बीच में कितनी संख्या है। तो 200 दो तरीके होते हैं, 200 और ये 600 है, लेकिन 600 पूरा नहीं ले सकते, के बीच कहा इसने, 600 के बीच की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ अगर माइनस, अगर वन करेंगे तो यहाँ संख्या माइनस, अगर वन करेंगे तो यहाँ 500 हो जाएगा और यहाँ 200 रहेगा। अब 200 से 599 के बीच की संख्या, तक की संख्या देखना आप लोगों, कितनी संख्या है जो 5 और 7 से पूर्ण विभाजित होती है। अब 5 और 7 से विभाजित होने का मतलब है कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, 5 से 1 7 बचा 7 और 5 से तो 35 एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसी संख्या है जिससे इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो 35 से डिवाइड यहाँ करेंगे और 35 से डिवाइड यहाँ भी करेंगे, 35 से यहाँ भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, तीनों सब तो 21 सात बार जाएंगे तो 200 से ऊपर पहुँच जाएंगे, 6 बार ही जाएंगे, 3 6 18 तो 6 बार में भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 6 5 30 की सी पर 3 6 18 3 21 5 बार जाएगा तो 200 से कम बार जाएगा, अधिक बार जाएंगे तो ऊपर निकल जाएगा। दो तरीके में, एक तरीका और आपको बताऊंगा, अभी तो एक तरीका मैंने बता दिया कि 200 से नीचे तक ले सकते हैं भाग अपन, तो 200 से कम तक लिया, 5 बार गया, यहाँ से भाग लगाएंगे दोस्तों। देखो 35 इससे भाग लगाएंगे तो 35 दोनों 70 होते हैं, 35 एकम 35, और देखो यहाँ पे 599 35 से भाग लगाएंगे तो 35 एकम 9 में से 5 गया 4 बचा, 5 में 3 गया तो 2 बचे, ऊपर से उतर 9, अब 3 8 24 तो 8 बार नहीं 7 बार, 7 5 35 का 5, 3 7 21 में 3, अरे मत चलाओ 5 35 के 5, देखो 5 बार लेंगे नहीं 7 5 35 के 5, 3 7 21 3 24 2445 तक चल जाता है, 245 तक चल जाता है, ऊपर से बचे कितने, 4 शेष बचे, तो 4 शेष बचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? 4 शेष बचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, संख्या कितनी आएगी 17, तो यहाँ 17 संख्या बन रही है। अब इसको माइनस कर दे, 17 में से 5 गए तो कितने बचे दोस्तों, 12। 12 एक ऐसी संख्या है जो 5 और 7 से पूर्ण विभाजित होगी, एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका और मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो तरीका है दोस्तों कि ये इसने यहाँ तक कहा, अपनों ने यहाँ तक की संख्या ले ली, अब कुछ नहीं करना, इस 500 देखो 599 में से 200 कम कर दो आप, ताकि जो संख्या रहेगी वो इस 35 से डिवाइड होगी। देखो ये 9 9 3 399 बस, और 35 से इसको डिवाइड कर दो आप, 35 से डिवाइड, 35 से कम 35, और 9 में से 5 गया तो 4 बचे कटस, ऊपर से तो 9, 35 से कम 35,
ये 11 उत्तर आ रहे हैं और ये उत्तर आ रहे 12, 17, ये 7 बार जाएगा, 4, यह भी 35 एक बार ही गया, 35 से कम 35 तो 2 और 4, 35 के 5 हासिला 3 और 21 3 24, 2445 बिल्कुल सही है। ये 17 में से 5 गए, 12 संख्या बच रही है और ये यहाँ पे आंसर आ रहा है 11। तो दोस्तों ये तरीका भी आप, ये तरीका आप को नहीं अपनाना चाहिए, केवल ये तरीका ही आपका सही है, ये एक ऐसा तरीका जो आपका बिल्कुल सही है। आइए अगला और देख लेते हैं। अब 300 से 1000 तक कितनी संख्या है जो 2, 3, 5 से पूर्ण विभाजित होती है। अब 2, 3 देखो, 2, 3 और 5, 2, 3, 6 बजे 30, 30 से भाग लगेगा। देखो 300 और ये है 1000, दोस्तों इसने तक का मतलब 1000 पूरा लेंगे, यहाँ पे एक कम भी नहीं करना पड़ेगा। 300 से भाग लगाया तो कितने बार गया, 10 बार गया, और यहाँ 30 से भाग लगाया तो दोस्तों देखो एक सिफर से एक सिफर तो कट गई, और 3, 3, 9 और 3, 3, 9 33 बार गया, और इसको माइनस करेंगे तो 23 इसका राइट आंसर आएगा। कितने आएगा आंसर दोस्तों, 23 इसका राइट आंसर आएगा, 23 इसका राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।